नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं, ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेंशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। जस्टिस हेमंत प्रचक ने कहा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।